हेलो फ्रेंड्स, सो आज हम बनाने वाले हैं DIY हेयर बैंड। चलो फिर जल्दी से बनाते हैं। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा, मैं को आप कोई से भी कलर की वो ले सकती हो, वो ले सकते हो, ये इसको क्या बोलते हैं, हाँ ऊन, वूल। तो मैंने यहाँ पे एक डार्क कलर लिया है और ये एक थोड़ा सा लाइट कलर लिया है और मैंने पर्पल बबल लेना है। चलो ठीक है। फिर हमें चाहिए होगी एक फोर्क एंड देन हमें चाहिए होगा एक हेयर बैंड जो कि पूरा प्लेन होना चाहिए। तो चलो फिर सीखते हैं इसको हम कैसे बनाएंगे। चलो तो फ्रेंड्स, मेरा जो फोर्क था वो बहुत छोटा था तो इसलिए मैंने एक क्लिप ले ली है और उस पर मैं कवर कर रही हूँ अपनी वूल। पहले हम लाइट वाली वूल को कवर करेंगे एंड देन हम डार्क वाली वूल से क्या करेंगे मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हो फोर्क बहुत पतला है और ये जो क्लिप है ये बहुत ज़्यादा चौड़ी है और इसलिए मैंने इस पर लपेटा, ना कि फोर्क पर, बिकॉज फोर्क बहुत ही ज़्यादा पतला है और उस पे हमारी बो बहुत छोटी सी बनेगी। हमें अपनी बो को बहुत दिखाना है तो इसलिए हम पूरा कवर कर देंगे। और अभी ये कवर हो चुका है तो अभी चल के इसको निकाल लेते हैं आगे की तरफ फोर्स करके। जल्दी से आगे की तरफ फोर्स करेंगे और ये निकल ना जाए, इसका ध्यान रखना। मतलब इसका जो धागा है ना, एंड को मैंने चिपकाया नहीं है, वो उसी से ये अटैच हो जाता है। और ये निकल चुकी है, देख सकते कितनी प्यारी क्लिप थी। और अभी हमारा निकल चुका है तो अभी हम अपनी डार्क कलर की वूल लेंगे और इसके सेंटर में हम इसको रोल कर देंगे जिससे ये बोके, इसकी बोकी शेप बन जाए। और ये सेंटर में नहीं हुआ था तो इसलिए मैं इसलिए दोबारा कर रही थी। और इसको अच्छे से रोल करने के बाद हम इसको कट कर लेंगे और देन हम हेयर बैंड के साथ चिपका लेंगे। वैसे मेरे को लगता है कि हमें इसको ऐसे नहीं चिपकाना चाहिए हेयर बैंड के साथ, तो हम इसको टाई कर देंगे। और यहाँ पे मैंने इसको टाई कर दिया है, इसकी दो गांठें लगा देनी है अच्छे से टाइटली। और फिर मैं ये धागे को भी लपेट दूंगी पूरे हेयर बैंड में लपेट दूंगी जिससे ये अटैच हो जाएगा हेयर बैंड के साथ। और देख सकते हो कितनी क्यूट बो बनी है। और इसका जो एंड का जो ये बचा है एक्स्ट्रा वाला, वो भी मैं कट कर दूंगी। तो चलो फिर मैं आपको इसके फाइनल रिजल्ट्स ही दिखाती हूँ। और चलो, तो ये मेरा हेयर बैंड भी आ चुका है और अभी हम इसको अटैच्ड कर देंगे एक साथ इन दोनों को। मतलब लपेट देना है बस हेयर बैंड के साथ, इसको अच्छे से लपेट देना है और ये बहुत क्यूट बनेगा हेयर बैंड। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब देना है और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर इसको सेंड करना, इसको भेजना जिससे आपकी फ्रेंड्स भी DIY गिफ्ट बना के आपके लिए भी लाएं और आप उनके लिए बना के लेके जाओ। तो आप अपनी बहन के लिए भी बना सकते हो, जैसे मैं अपनी बहन के लिए, कनिष्का के लिए बना रही हूँ। और अच्छे से इसको लपेट देंगे। तो इस पूरी वीडियो में कनिष्का इसलिए नहीं दिखी बिकॉज कनिष्का सो रही थी और मेरे को उसको सरप्राइज़ करना था, तो इसलिए मैंने इसको सीक्रेट ही रखा और किसी को बिना बताए मैं इसको बनाने लग गई। तो अभी देखो मैं कैसे बना रही हूँ इसको। तो फ्रेंड्स, ये रहा इसका फाइनल रिजल्ट।